ये एक सच है कि राजनीति में सत्ता पाने के लिए नेता हर हथकंडे अपनाते हैं। साम, दाम, दंड, भेद, हर तरीका अपनाया जाता है। चाहत इतनी रहती है कि बस किसी तरह कुर्सी मिल जाए। कुछ ऐसी ही दिलचस्प चाहत देखने को मिली है यूपी में कांग्रेस के नेता मामून शाह की, जो रामपुर में कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिश नगर पालिका के चेयरमैन बनने की थी। अपनी इसी चाहत को हकीकत में बदलने के लिए 45 साल के मामून शाह ने आनंद फानंद में निकाह करने का फैसला किया है। ये निकाह पूरे यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहानी कुछ यूं है कि मामून शाह खान पिछले 25 सालों से नगर पालिका सदर के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में ये सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई। मामून शाह खान के अविवाहित होने की वजह से उनका सियासी गणित गड़बड़ा गया। फिर उन्होंने जुगत लगाई और निकाय चुनाव में टिकट के लिए निकाह वाला नया फॉर्मूला आजमाया। मामून शाह ने 45 घंटों के अंदर ही अपने लिए दुल्हनियां खोज ली, ताकि निकाह के बाद अपनी दुल्हन को नगर पालिका की चेयरपर्सन पद का उम्मीदवार बना सकें। 17 अप्रैल को रामपुर में निकाय चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है। वक्त कम है, लिहाजा नामांकन की आखिरी तारीख से दो दिन पहले आज ही वो निकाह कर रहे हैं। सत्ता के लिए नेताजी निकाह कबूल कर चुके हैं, निकाह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मैरिज हॉल बुक है, शादी के कार्ड बांटे जा चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए नेताजी के निकाह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा जा रहा है। अब आज रात नेताजी का निकाह होगा, उसके बाद तत्काल वो अपनी बेगम के लिए टिकट मांगेंगे, उनका नामांकन भरवाएंगे और अपनी नई बेगम के लिए गली गली जाकर वोट मांगेंगे। ये निकाह नीति इसी वजह से ट्रेंड कर रही है। ओ तो हम चाह रहे थे मामून शाह को आपको सुनवा दें, लेकिन देखिए सत्ता में वक्त हो चुका है और अपने न्यूज मित्रों से हमारी यही न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रीड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।